स्थानीय कुर्मी समाज धर्मशाला बिष्टान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक में भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के नवीन बने ब्लॉक इंचार्जों का सम्मान समारोह एवं क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों से प्रभावित होकर कई कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर खरगोन जिला अध्यक्ष जयंत गुप्ता ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह आदिवासी क्षेत्र होने के कारण आज भी ग्रामीण जनता कई सुविधाओं से वंचित है और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं है। वहीं बेरोजगारी चरम पर है और दिहाड़ी करने वाला मजदूर महंगाई की मार से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। माता की जय, भारत माता की जय। केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल संघर्ष। सर, आज आम आदमी पार्टी की बैठक बिष्टान में रखी गई है, इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? आज आम आदमी पार्टी की बैठक बिष्टान में रखी गई। पार्टी द्वारा ब्लॉक इंचार्जों की नियुक्ति की गई है। ब्लॉक इंचार्ज के बाद प्रत्येक 5 पंचायतों पर एक व्यक्ति की सर्कल प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी और सर्कल प्रभारी के बाद जमीनी स्तर पर 11-11 आदमी की प्रत्येक गांव में समिति बनाई जाएगी। पार्टी द्वारा जमीनी स्तर की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते आने वाले नवम्बर 2023 में विधानसभा की 230 सीटों पर पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार दिल्ली पंजाब का मॉडल पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है, उसे ही अब मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और उसी के चलते हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। जयंत गुप्ता, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।